हरिद्वार में महाकुंभ 2021 में संत भक्त महात्माओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया और यह भंडारा लज्जाराम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में हुआ। हम आपको बता दें, हरिद्वार महाकुंभ 2021 का नगर पेशवाई के बाद पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने गुरु महाराज के समक्ष खड़े होकर संपूर्ण संत समाज को भंडारे का निमंत्रण दिया था। बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 का सबसे पहला भंडारा करने का सौभाग्य लज्जाराम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज को प्राप्त हुआ। यह बड़े सौभाग्य की बात है, जहाँ संत भक्त महात्माओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भंडारे की शुरुआत वेद पाठियों के द्वारा मंत्रोच्चारण से की गई। परमपिता परमात्मा को याद कर इस भंडारे की शुरुआत हुई और पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने इन संत भक्त महात्माओं का स्वागत किया। भंडारे के बाद सभी संतों को दान दक्षिणा दी गई। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, लज्जाराम आश्रम में राजेश्वर महाराज जी द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्री पंच दशना माहवान अखाड़ा यहाँ पर उपस्थित है। रजनीश शर्मा, शुभम सुबेदी, नवल किशोर, अखिलेश खंडूरी, अरविंद खंडूरी, त्रिविक्रम सापकोटा, शिवम शर्मा, पीयूष मिश्रा, श्रीकांत रतूरी, कपिल नौटियाल, राहुल शर्मा, रोहित शुक्ला, आशीष दीक्षित, कमल शर्मा, पवन उनियाल, जयप्रकाश दुबे, शंकर सत्यम तिवारी, गोविंद दहाल और भीम प्रसाद उपाध्याय, इन सभी वेदपाठियों ने मंत्रोच्चारण से भंडारे की शुरुआत की। लज्जाराम आश्रम में भंडारे के आयोजन में आए श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ने कहा कि आज पीठाधीश्वर लज्जाराम आश्रम श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने अपने अखाड़े का सम्मान करने के लिए हमें यहां पर बुलाया है। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे संतों को माल्यार्पण करने का उनका सम्मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए सुनते हैं श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस खास अवसर पर क्या कहा। क्या कहेगा महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सतपाल ब्रह्मचारी, थाना राम आश्रम, हरिद्वार। तो आज किस उपलक्ष में आए हैं आप? मैं आज राजेश रूप जी ने अपने अखाड़े का सम्मान करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया है। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे संतों को माल्यार्पण किया, सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ में हमारे आदरणीय श्री जागेराम जी शास्त्री जी, कृष्णा धाम प्रबंधक एवं संचालक, आपके बीच में हैं और मुझे खुशी है युवा संत जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अखाड़ों में, खास करके आश्रमों में, तो आने वाली पीढ़ी ये शताब्दी बढ़िया रहेगी। कुंभ के बारे में इतना कहना है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी में संस्कार आएंगे, सनातन संस्कृति का प्रसार प्रसार करेंगे, इसीलिए युवा संत बनाए हैं कि देश और विदेश में हमारी जो भारतीय संस्कृति की है उसका प्रसार प्रसार करें। भंडारे के दौरान हमने काफी संत भक्त महात्माओं से बातचीत की है, एक एक करके हम आपको सुनाते हैं उन्होंने अपनी इस दिव्य वाणी में क्या कुछ संदेश दिया है। तो आइए सुनते हैं संतों की जुबानी की उन्होंने पूरे विश्व के लिए क्या संदेश दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सभी को खूब खूब शुभकामनाएं कुंभ मेले में, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी राजेश स्वरूप जी का भंडारा है, कार्यक्रम है श्री पंच दशना माहवान अखाड़े के, वह राजेश स्वरूप जी के द्वारा श्री पंच दशना माहवान अखाड़े में उनका सदस्यता है। तो उन्होंने एक जो है यहाँ कुंभ की शुरुआत के उपलक्ष्य में कल हमारी शोभा यात्रा में गुरु महाराज के सामने एक सुंदर भंडारे का आयोजन करने का यह कार्य किया। सभी संत नागा सन्यासी यहाँ पधारे हुए हैं, कोई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इत्यादि। तो यह सेवा का कार्य यहाँ चल रहा है, सभी संत, मेरे को बहुत खुशी हो रही है ऐसा कार्य उन्होंने किया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। साफ सभी मनमोहक दृश्य है, सभी प्रसन्न है, सबके चेहरों पर प्रसन्नता है और आनंद की बात है। ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहे, यही मेरा जो है भगवान परमात्मा से प्रार्थना है। भोजन भी बहुत सुंदर है, सभी संत जो है हर्षोल्लास से प्रसाद पा रहे हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। राहुल गिरी, महंत। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। मैं जागेराम शास्त्री, महाराज जी ये जो कुंभ है इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? कुंभ का महात्म्य है देव और दानवों का अमृत के लिए युद्ध हुआ था जी। उस समय ये चार जगह जो है अमृत छलका था, जिस योग में अमृत छलका था उस योग इस समय है हरिद्वार के अंदर।
इसलिए कुंभ को बनाया जाता है। युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, युवा पीढ़ी ने व्यसनों से दूर रहना चाहिए और ये युवा संतों ने प्रचार प्रसार करना चाहिए, युवा पीढ़ी के अंदर व्यसन ना आए, क्योंकि जिस जीव के अंदर व्यसन आ जाएगा वो जीवन बर्बाद हो जाता है। मंगलम भगवान शंभू, मंगलम मृगभद्रजम, मंगलम पार्वतीनाथम, मंगलायतनो हरः। आज बहुत हर्ष का विषय है, लज्जाराम आश्रम में राजे स्वरूप द्वारा आज भंडारा हो रहा है। श्री पंचश्राम आवाहन अखाड़ा यहाँ उपस्थित है, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महन सतगिर जी की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ और बहुत से हमारे विद्यार्थीगण एवं राजेश्वरूप जी के सभी संबंधित जो भी इत्यादि सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, संरक्षक श्री महंत नीलकंठ गिर जी, सभापति श्री महंत पूनम गिर जी, आय व्यय निरीक्षक श्री महंत कैलाशपुरी, सेक्रेटरी श्री महंत राजेश गिरी, सेक्रेटरी श्री महंत राजेंद्र भारती, सेक्रेटरी श्री महंत रमाकांत गिरी, सेक्रेटरी श्री महंत अंकुश गिरी एवं बहुत से पदाधिकारीगण यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे धर्म सम्राट अवधूत गिरी जी भी मौजूद हैं यहाँ और श्री महंत बटेश्वर भारती जी भी। बहुत लोगों के हम नाम नहीं ले पा रहे लेकिन कोई खेद नहीं व्यक्त करना, समस्त पंचश्राम आवाहन अखाड़े के पदाधिकारीगण राजेश रूप आश्रम लज्जाराम आश्रम में हम सब प्रांगण में विराजमान हैं। आज विशाल आयोजन है उनके यहाँ। श्री महंत महामंत्री सत्यगिरी जी महाराज, श्री महंत संरक्षक नीलकंठ गिरी जी महाराज, श्री महंत सभापति पूनम गिरी जी महाराज, श्री महंत कैलाशपुरी जी महाराज, श्री महंत भारद्वाज गिरी जी महाराज, श्री महंत शरद भारती जी महाराज, श्री महंत चेतन गिरी जी महाराज, अष्टकौशल महंत श्री वेद व्यास जी महाराज, अष्टकौशल महंत श्री राहुल गिरी जी महाराज, अष्टकौशल महंत श्री दया गिरी जी महाराज और अष्टकौशल महंत श्री कमल भारती जी महाराज, इन सभी संतों ने अपनी उपस्थिति दी। सिद्धपीठ तीर्थ सत कुंभा धाम के प्रबंधक सूरज शास्त्री, अखंड ज्योतिषाचार्य शिवेंदु भारद्वाज, निरंजन लाल भरत गर्ग, मनी हिसार राजा सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र भारद्वाज, आशु भारद्वाज, राहुल शर्मा, अमन शास्त्री, प्रीतम शास्त्री, अमित विद्यार्थी, सोनू विद्यार्थी, रोशन सिंह, श्री विद्यानंद जी महाराज, श्री कुलदीपानंद जी महाराज, प्रवेश कौशिक, चंदन मिश्रा, सोनू विद्यार्थी शामिल रहे।